बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, क्योंकि तोशखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है कभी भी। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में इमरान खान के घर पहुंच चुकी है और जानकारी मिल रही है कि समर्थकों में और वहां पर पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है और नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। पाकिस्तान, इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस पहुंच गई है इमरान खान के घर लाहौर और ये जानकारी मिल रही है कि बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो भी, उनका भी जमावड़ा हो रहा है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर गिरफ्तारी का खतरा लगातार मंडराता हुआ। उनको कोर्ट में पेश होना है 7 तारीख को, लेकिन उसके पहले ये पुलिस का एक्शन और इसके पहले इमरान खान के जो कई समर्थक हैं उनको गिरफ्तार किया गया था धीरे धीरे कर। और बिल्कुल आपको बता दें तोशखाना केस में इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची इमरान खान को गिरफ्तार करने, उनके पास गिरफ्तारी वारंट भी मौजूद है, लेकिन समर्थकों का भारी जमावड़ा है, वो रोक रहे हैं, वो गिरफ्तार नहीं होने दे रहे हैं और पुलिस को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाहौर पाकिस्तान की तस्वीरें, इमरान खान के जो समर्थक हैं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की भी खबर है, झड़प की भी खबर है और गिरफ्तारी का जो ये मामला है वारंट लेकर पहुंची है लाहौर की पुलिस। तो क्या गिरफ्तार होंगे, कब गिरफ्तार होंगे, ये बड़ी बात है, लेकिन उन पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वारंट लेकर पहुंचने का मतलब ही होता है कि गिरफ्तार करना है। अब कब गिरफ्तारी होती है, कभी भी सूचना मिल सकती है पाकिस्तान की तरफ से। और ये पूरा मामला आप इमरान खान के समर्थकों की आवाज सुन रहे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल है, लगातार महंगाई दर की अगर बात कर ले, महंगाई चरम पर है, लेकिन सियासत भी चरम पर है, जहां पाकिस्तानी सरकार और इमरान खान और समर्थक आमने सामने। ये 3 तस्वीरें, लाहौर में इमरान के घर पुलिस मौजूद, वारंट लेकर पहुंची है पुलिस और गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान खान। कब होंगे, ये कभी भी खबर आ सकती है पाकिस्तान की तरफ से।